पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या, हत्या नहीं दुर्भाग्यपूर्ण है, दुख का विषय है, खेद का विषय है, लेकिन मैं सरकार की तरफ से जरूर स्पष्ट करना चाहता हूँ, इससे शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे इसके तुरंत इनको सलाखों के अंदर डालने का काम किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूँ आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या के बाद अब राजनीतिक गलियारों से रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। बात करें एनडीए के नेताओं की तो उनका भी रिएक्शन सामने आया है, चाहे वो जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हो या फिर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, सभी ने इस पूरे मामले पर दुख व्यक्त किया है और कड़ी से कड़ी सजा अपराधियों को देने की बात कही है। सम्राट चौधरी ने ये ऐलान भी कर दिया है कि जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं एनडीए के नेता, उनका ये बयान सुने। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या, हत्या नहीं दुर्भाग्यपूर्ण है, दुख का विषय है, खेद का विषय है, लेकिन मैं सरकार की तरफ से जरूर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे इसके तुरंत इनको सलाखों के अंदर डालने का काम किया जाएगा। सरकार पूरी तरह मुस्तैदी से मुकेश सहनी जी के परिवार के साथ खड़ा है और शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अपने आप में दुखद विषय हम लोगों के लिए। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जी के पिता की हत्या, ये निश्चित रूप से मर्मांतक है, दुखद है और पीड़ाजनक है। वरीय पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं, पुलिस तमाम तथ्यों की जांच कर रही है और साथ ही साथ जो भी अपराधी है, जिन लोगों ने यह पाप किया है, पाताल में भी रहेगा, उसको खोज निकाल कर करके न्यायिक प्रक्रिया तक, उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। यह बहुत ही पीड़ाजनक है, मर्मांतक है, सुखद है। अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सूचना मिल रही है कि वीआईपी प्रमुख आदरणीय मुकेश सहनी जी के पिताजी की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई है। ये बड़ी दुखद घटना है जो बिरौल थाना के अंतर्गत सुपौल जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में ये घटना का अंजाम दी गई है। घटना के पीछे जो भी अपराधी हो, अपराधी बचने वाले नहीं हैं। स्थानीय पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन त्वरित कार्रवाई करते हुए एसआईटी गठित कर दी गई। जो भी अपराधी है, जहां भी हो, त्वरित कार्रवाई करते हुए जेल के सलाखों में कानून के तहत उसको जाना होगा। जितना भी निंदा किया जाए बहुत कम होगा और इस दुख की घड़ी में पार्टी और बिहार के जनमानस, वीआईपी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी के साथ खड़ी है। बेहद बड़ी खबर है ये, सब को इस खबर ने चौंका दिया है। बिहार के दरभंगा की ये खबर है जहां वीआईपी सुप्रीमो और पूर्व बिहार सरकार में जो मंत्री रहे हैं मुकेश सहनी, उनके पिता जीतन सहनी की निर्ममतापूर्ण हत्या उनके ही घर पर कर दी गई, दरभंगा से ये खबर है, जिसके बाद पूरा बिहार हिल गया है क्योंकि एक मंत्री, एक बड़े नेता के पिता थे जीतन सहनी, जिनकी निर्ममतापूर्ण हत्या की गई है। शत विशत स्थिति में उनका जो शव है वो उनके घर से बरामद किया है। काफ़ी चौंकाने वाला खबर है ये, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में अब हलचल बहुत तेज़ हो गई है और एनडीए नेताओं का ये रिएक्शन सामने आया है। आप सुन रहे थे एक और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार थे, जो इस पूरे मामले में दुख व्यक्त तो कर ही रहे थे, साथ ही साथ ये भी कहते नजर आ रहे थे कि पाताल से भी खोजकर हत्यारों को लाया जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी कड़ी से कड़ी
कार्रवाई करने की जो बात है वो कह डाली है, ऐलान कर डाला है कि जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इस मुद्दे पर रिएक्शन आने शुरू हो गए। एनडीए के नेता क्या कुछ कह रहे थे ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।